धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आरएस मोड़ बेनाव जार गांव में सोना चांदी साफ करने के बहाने सोना चांदी लेकर रफू चक्कर हो जाने वाले गिरोह के एक सदस्य लोगों के हाथों चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पहले जमकर पिटाई की, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं एक अन्य गिरोह का सदस्य भागने में सफल हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल सोना चांदी के जेवर को साफ चमकाने के नाम पर जेवर को चकमा देकर ठगी करने वाला गिरोह के दो सदस्य आरएस मोर बेनाग जार गांव पहुंचा था। वहीं एक परिवार के घर पहुंच सोना चांदी को केमिकल से चमकाने की बात कहकर जेवर को सफाई करने लगा। इसी क्रम में सोना चांदी के जेवर को चमका देकर पत्थर से भरा प्लास्टिक देकर रफू चक्कर होने में फिराक था। घर के लोगों को शक होने पर अपने जेवर को प्लास्टिक से निकाला तो पत्थर निकला, जिसके बाद हो हल्ला करते हुए दोनों को पकड़ने के लिए दौड़े। एक सदस्य बाइक लेकर भाग निकला, लेकिन एक ठग को पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया। वहीं ठगी से बचने वाले परिवार के सदस्य ने कहा कि सोना चांदी को चमकाने के बहाने सोना चांदी का जेवर ठगी करने वाला था। इन लोगों की हरकत को पकड़ लिए, जिसके बाद दौड़ाकर पकड़े। एक ठग भाग गया, जबकि दूसरे ठग को पकड़ पुलिस को सौंप दिए। मामला ये है कि एक जैसे चोर आया हुआ था, सोना चोर, बताया हमारे घर में कि जो है इसे साफ़ कर देंगे, इसे साफ़ करने से, ये पाउडर लेने से ऐसा साफ़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वो ऐसा बना बोल के हमारे घर से सोना चोरी करके वो जा रहे थे। हमारे घर में सिर्फ हमारा छोटा भाई था, इसके रहने के कारण हम लोग पकड़ लिए। दो आदमी वो लोग थे, जैसे ही पकड़े वैसे ही एक आदमी बाइक ले कर भाग गया, दूसरा आदमी को हम लोग पकड़ लिए, पकड़ के थाना में ला के थाना में जमा किए हैं। हम लोग थे, मम्मी थी और दादाजी हैं, एक भाई है और एक छोटी बहन है और एक भाई है। भागने का फिराक में था। सोना कुछ निकाले थे तो वो और प्रेशर हम लोग को डाल रहे थे कि घर में और भी सोना है तो बाहर निकालिए, और भी सोना है तो निकालिए, सब साफ़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। और एक प्लास्टिक में भर दिए उसको और साफ़ करने के लिए, और एक प्लास्टिक में बहुत सारे वो पत्थर रखे हुए थे, ठीक है, पाउडर डाल के वो काला कर दिए प्लास्टिक को, और पत्थर वाला प्लास्टिक जो है पानी के अंदर डाल दिए, और सोना वाला प्लास्टिक अपना बैग में रख लिया, बैग में रख के निकल रहे थे वो लोग। तब हम लोग उनको पकड़े हैं, तब एक दो आदमी था, एक आदमी बाइक लेकर भाग गया और एक आदमी को हम लोग पकड़े तो थाना में लेकर आए हैं, अभी थाना में जमा किए हैं। तो उसके पास से सोना बरामद और हुआ है? नहीं, और सोना बरामद नहीं हुआ। हम लोग का जो भी सोना था हम लोग अपना रिसीव कर लिए। हाँ, हम लोग रिसीव कर लिए। एक और आदमी था, उसके पास डायरी था और भी दो तीन बैग था, शायद उसके पास कुछ सोना होगा किसी और का। ये आरएस मोड़ कॉलेज हुआ, मातारा होटल है, बस उसी का जस्ट आगे में एक बेना गाजर करके पड़ता है जगह, वहीं पे है।